दोस्तों, एक्सेल में सेल कैसे मर्ज करें, या फिर हमें कई एरिया एक है जो हमें मर्ज करना है वो कैसे करें, और जो हमने मर्ज कर लिया है उसको दोबारा ठीक कैसे करें, या उसको अनमर्ज द्वारा कैसे करें, तो इस वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जूम कर लिया। देन इसके बाद में अगर आप अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस तरीके से आपको जो भी एरिया मर्ज करना है, मुझे इतना एरिया मर्ज करना है ऊपर का, बस आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के कॉर्नर में एक बटन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है, दूसरा मर्ज एक्रोज आता है, और दूसरा आता है मर्ज सेल्स। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मर्ज एक्रोज जो लिख के आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे सिंपली जो मर्ज हो जाएगा जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो अभी भी बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना अभी से ही, ठीक है? देख कर जाना ताकि दोबारा मत फंसना, ठीक है? अभी आपने मर्ज एंड सेंटर में देखा कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया उतने में ही मर्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके नीचे वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं मर्ज एक्रोज, तो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से मर्ज होता है, लेफ्ट राइट ही मर्ज होता है, और ये वाला ये जो आपका बॉटम और टॉप मर्ज नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने यहाँ से जाके और इसको जो है बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए कि इस तरीके से मर्ज हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे मर्ज सेल्स। अभी यहाँ पे जो है आपकी जो भी यहाँ पे सेल्स होंगी वो यहाँ पे इसके द्वारा मर्ज हो जाती है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो सभी सेल्स मिलके एक सेल बन जाती है, ये सेल मर्ज होता है। इसके बाद में अनमर्ज के ऑप्शन से हमने जो भी मर्ज किया है, हम अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा दोबारा ठीक हो जाएगा, यानी कि अब वो मर्ज नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ऐसी वीडियो और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना हो तो।